हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम फिल्म्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली बात नहीं करेंगे, आप हमको दिखाने वाले हैं हमारे घर से लेकर धनबाद तक की हमारी जर्नी। एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं धनबाद, अभी 27 तारीख है आज और लगभग 1 बजे है, तो अभी जैकेट पहनते हैं और निकलते हैं धनबाद के लिए। तो चलिए चलते हैं। घर से लगभग 5 किलोमीटर आ चुका हूँ। सामने ये अभी दामोदर के जो टोल है उसको क्रॉस किया दुर्गापुर जाने के लिए। 5 किलोमीटर में लगभग 5 किलोमीटर ही बहुत तगड़ा जाम मिला, बहुत मतलब एकदम खतरनाक, इसीलिए स्टार्टिंग में कुछ ब्लॉग बना नहीं पाए। खैर रास्ता तो बहुत ज़्यादा है तो कंटेंट तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा देखने लायक और दिखाने लायक। और देखता हूँ कि कितने बजे पहुँचता हूँ। वैसे कोई खास जल्दी तो है नहीं, पर अगर जल्दी जल्दी पहुँच पाया तो हमारा एक काम हो जाएगा आज ही, ज़्यादा लेट करने से होगा नहीं। खैर रास्ता भी अच्छा है और आई होप कुछ प्रॉब्लम ना होगा नहीं, तो देखते हैं जितना जल्दी हो सके पहुंच जाएंगे। इस ओवरब्रिज के साथ हम अलविदा करने वाले हैं दुर्गापुर को, क्योंकि इसके बाद दुर्गापुर ऑलमोस्ट ख़त्म। अगला स्टॉप है गोपाल मार्ट, उसके बाद ही दुर्गापुर ख़त्म। तो चलो, दुर्गापुर तो अभी ख़त्म होने को आया है पर हमको जाना है अभी बहुत दूर, तो जल्दी चलते हैं क्योंकि रास्ता भी ठीक है और बारिश आई होप ना हो, हुआ तो थोड़ा लोचा हो जाएगा। खड़गपुर 182, वाराणसी 478, सीवड़ी 57। अच्छा, यहाँ से भी सीवड़ी का रास्ता कटता है। हम अभी रानीगंज पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका है और हम घर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गए। एक्चुअली 1 बजे का सोचा था निकलेंगे, पर तैयार होने में और निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया। खैर ठीक ही है, ज़्यादा तेज़ भगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सेफ ड्राइव भी अच्छा है। अभी हम पहुंच चुके हैं आसनसोल। यहाँ से बाएं तरफ का ये जो फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता है, यहाँ से घुसना पड़ता है आसनसोल सिटी में जाने के लिए। और धनबाद यहाँ से 65 ऐसा कुछ है। यहाँ से देखेगा नहीं शायद, देखो वेलकम टू आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। भाईचारे का शहर। यहाँ तक का रास्ता ऑन द कैमरा तो मेरा फर्स्ट टाइम है, पर ऑफ द कैमरा मैं इससे पहले कई बार आ चुका हूँ क्योंकि जब हीरो में मैं काम करता था उस वक्त इस रूट से आना जाना लगा रहता था मेरा, पर इसके आगे ये पूरा रास्ता मेरे लिए अननोन है। अच्छा है, चलो दूर आया हूँ कुछ मालूम नहीं है।
रास्ता वैसे अच्छा है, बहुत खूबसूरत भी है, पर यहाँ पर मतलब रानीगंज को क्रॉस करने के बाद ही टेम्परेचर थोड़ा सा गिर गया है। बहुत मतलब बहुत तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत ठंडा लग, मतलब सर्दी वाला है, हवा का झोंका लग रहा है। खैर बारिश ना हो तो सब कुछ सही है, अगर बारिश हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाएगा। हालांकि रेनकोट वगैरह लेकर आया हूँ, पर उसको फिर से रोक कर पहनना, फिर अगर गर्मी लगे तो उतारना बहुत झंझट वाला काम है। तो वैसे भी मेरा जो ये टैंक बैग है और पीछे का जो बैग है, दोनों एक्चुअली एक बैग का भी रेन कवर वगैरह कुछ है नहीं, तो बारिश होने से शायद मेरा सामान भीग जाएगा, शायद क्या डेफिनेटली भीग जाएगा, क्योंकि जो प्लास्टिक वगैरह हमने लिया है उससे वो इनफ नहीं है मतलब सामान को सेव करने के लिए। तो अगर बारिश ना हुआ तो अच्छा है, हो गया तो हम तो गए। जब आसनसोल को क्रॉस कर रहे थे तब दो एक बूंद गिरा, पर बहुत ही कम। अगर बारिश ना हो तो बहुत अच्छा है। अरे बाप रे, चार जन का पॉल्यूशन तो ये एक ही कर देगा। अब आगे एक साइन बोर्ड है, देखना पड़ेगा। पुरुलिया, अच्छा इस रूट से पुरुलिया कोई कटता है, मतलब पुरुलिया जा सकते हैं ये नीचे वाले रोड से। खैर पुरुलिया तो फिर कभी जाएंगे, शायद जनवरी में हो सकता है प्लान, देखना पड़ेगा। एक्चुअली अगर दार्जिलिंग ना हुआ तो पुरुलिया जा सकते हैं। रास्ते के बीच में काफी सारा डाइवर्शन है। पूरा का पूरा नजारा बदल गया। यहाँ पर देखो माइंस है शायद ये, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि दो एक बूंद फिर से पानी बरस रहा है। अगर बारिश हो गया ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा मेरे को, आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अगर ज़्यादा इधर उधर देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पर यहाँ पर माइंस की तो लाइट लगा हुआ है। ओ तेरी, वैसे मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है ऐसा लुक। हालांकि हमारे घर के बाजू में भी एक दो है, पर यहाँ का नज़ारा काफ़ी अलग है वहाँ से। मुझे तो यहाँ चारों तरफ काला काला ही दिख रहा है। वेलकम टू झारखंड। झारखंड पुलिस का एरिया यहाँ से चालू। जब कोविड का टाइम था तब यहाँ पर ही मतलब चेकिंग वेकिंग कुछ हो रहा था, बहुत तगड़ा पास लग रहा था झारखंड से वेस्ट बंगाल से झारखंड में जाने के लिए। तो पर यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। तो उस वक्त सुना था कि कुछ लोग इस पुल के नीचे से गुजर रहे थे, पता नहीं यार पानी तो है, गुजरेगा कैसे।
में एंटर कर चुके हैं। अब चलते हैं। धनबाद 40 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है। चलो कोई नहीं, अभी 3:19 ऑलमोस्ट 3:30 होने को आ गया है। मेरा कैलकुलेशन पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया, पता नहीं मैं स्लो आ रहा हूँ, फंस जा रहा हूँ, पता नहीं कुछ, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं लगभग 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, ना तो 1 घंटे में आसनसोल घुस पाया, और यहाँ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे जर्नी का फर्स्ट टोल, हालांकि मेरे को पे करना नहीं पड़ेगा, फिर भी यहाँ से शायद निकल जाऊंगा। अभी कौन से रास्ते पे जाऊंगा? रास्ता तो यही है, पर रास्ते का क्वालिटी बिगड़ गया है। बाद वहां से 40 किलोमीटर दिखा रहा था, तो यहाँ पर आके 41 हो गया। वाराणसी 400 पता नहीं कितना था, देखा ही नहीं। खैर जितना था उतना था, मेरे को तो जाना नहीं पड़ेगा, मतलब अभी नहीं जाऊंगा, बाद में किसी दिन जाएंगे। ये टोल गेट था माइथन का, इसको क्रॉस कर चुका हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा निरसा, आई होप ये सही रास्ता है। वहाँ पर पहुँच के संदीपदा को फ़ोन करूँगा, संदीपदा जिसको आप मिल चुके हैं अपनी दीघा सीरीज़ पे। अगर नहीं देखा होगा तो उस सीरीज़ को देख लेना, मुझे तो उसमें बहुत मज़ा आया था, आई होप देखने में आपको भी मज़ा आएगा। आज रात, एक्चुअली आज रात नहीं, इस पूरे ट्रिप में ही मैं रुकूंगा उनके ही घर, और आप भी सबसे पहले उनके घर ही जा रहा हूँ। पर एक आफत और आ चुका है, जो है ये टपाटप बारिश जो गिर रहा है मेरे ऊपर। निरसा यहाँ से 8 किलोमीटर साइन बोर्ड के अनुसार। हाँ यहाँ से रास्ता तो अच्छा है, मतलब फिर से रास्ता अच्छा मिल गया। वो टोल गेट के टाइम पे बहुत ही घटिया रास्ता था। ब्लू कलर का। अब यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन अभी भी 25-26 किलोमीटर के दूरी पर है। लोकेशन उन्होंने भेज दिया है संदीपदा ने मेरे को, तो अभी मैं मैप के सहारे पहुँचना मतलब पहुंच जाऊंगा, पर अभी चला रहा हूं तो थोड़ा धीरे धीरे,
क्योंकि इनकेस अगर मिस हो गया तो पता नहीं जर्नी है नहीं है। खैर कुछ भी हो, यहाँ का ठंड मतलब यहाँ का वेदर थोड़ा मतलब हमारे वहाँ से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है और ग्लव्स हमने उतार दिया क्योंकि हमारा ग्लव से मोबाइल इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो इस वजह से ग्लव्स हमने उतार दिए। अब कुछ ऐसा ग्लव्स खरीदना पड़ेगा जो मोबाइल जिसमें ज़्यादा अच्छी तरह से ऑपरेट किया जा सके। खैर अभी देखना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 25 किलोमीटर बहुत दूर है, मतलब खैर अभी चलता हूँ। बारिश के वजह से मेरा हालत कुछ ऐसा हो गया है कि बार बार पूछ रहा हूँ गोविंदपुर आ गया क्या भैया, वो देवदास के माफिक मानिकपुर आ गया क्या, वैसा ही कुछ बहुत ज़्यादा एकदम चिल्ड वाला एहसास हो रहा है। पता नहीं क्यों हेलमेट के अंदर जैसे किसी ने बर्फ़ डाल दिया, ऐसा कुछ ठंडा हवा लग रहा है। वाह, पर ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं गोविंदपुर और यहाँ से किसी एक जगह पर कट मार के हमको निकलना पड़ेगा धनबाद के लिए। चलो ढूंढता हूँ। वाह क्या नज़ारा है, सामने कुछ माउंटेन टाइप का है शायद। वैसे ये रास्ता गोविंदपुर से लेकर धनबाद तक जाते हैं, धनबाद की ओर जाता है। अभी मैं तो हूँ सही दिशा पर मैप के अनुसार। वैसे मैं अपने मोबाइल को यहाँ पर रख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ है नहीं और अभी छोटा मोटा बारिश के बूंदे कंटिन्यू गिर रहे हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। लग रहा है जैसे मैं छोटा मोटा किसी पहाड़ी एरिया पे ही राइड कर रहा हूँ क्योंकि कई जगह ऊंचा नीचा बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, पर रोड अच्छे बने ये अच्छा चीज़ है। ये कोल फील्ड तो लग नहीं रहा है, हालांकि पूरा धुआं धुआं सा है। मेरे को लग रहा है कुछ पहाड़ी है क्योंकि ऊपर पेड़ है, अब पता नहीं। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से फिर से मेरे को देखना पड़ेगा एक्चुअली, पर ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ। तो अभी घर पहुंच के मतलब उनके घर पहुंच के इस वीडियो को एंड करता हूँ। चलिए हम धनबाद पहुंच चुके हैं लगभग 5:30 बजे। अभी तय मतलब थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद करने आए इस वीडियो को एंड। सबसे पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर घूमने को निकलेंगे। अगर कुछ अच्छा कंटेंट मिला उसमें भी तो आपको दिखाएंगे, पर रात में और बाइक चलाने का मूड नहीं है क्योंकि काफ़ी देर से आप देख चुके हैं कि बारिश में थोड़ा बहुत भीगा के आ गया, तो बहुत अच्छा कुछ मूड है नहीं अभी। खैर देखते हैं क्या होता है। खैर फिलहाल तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे ओर से और SM फिल्म्स की ओर से आप सभी को इस ट्रिप को देखने का हार्दिक आमंत्रण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।